हिंदी बेल्ट के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए भेदभाव की कोई भावना नहीं है। यूके बेस्ड फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए अल्पसंख्यकों के भविष्य के सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भारत में पारसियों की आर्थिक कामयाबी पर प्रकाश डाला और कहा, दुनिया के दूसरे देशों में उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भारत में पारसियों ने एक सुरक्षित आश्रय पाया है। वह भारत में खुशी से रह रहे हैं और समृद्ध हो रही हैं।